Welcome back to the channel, everyone. I am really happy and excited to see your beautiful faces again. So आज मैं आप लोग को एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो में ग्रेन्स को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, ग्रेन को कैसे ला सकते हो, क्योंकि हर बार फोटोग्राफर तो 3200 ISO 6400 ISO 1200 and 800 ISO इनके ऊपर शूट नहीं करता, और अगर वो शूट कर भी रहे हैं तो देयर इज़ अ नो चांस कि अगर आज के लेवल के जो कैमरा है वो 6400 12800 ISO को आराम से डिफीट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो कैमरा है, अगर मैं उसे 3200 ISO पे लेके जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा ग्रेन आती है। मेरे पास बाद में पुराना वाला कैमरा है, कैनन का एंट्री लेवल है। अभी फ़िलहाल मेरा ओरिजिनल कैमरा गुम गया था। ये वाली फ़ोटो जो है, ये वाली मैंने क्लिक की है ISO 100 पे। मैं मैक्स टू मैक्स ISO लेके जाना प्रेफर करता हूँ, 800, या फिर अगर मुश्किल भी हो गई तो 1600। उसके ऊपर मैं ISO नहीं लेके जाता, 800 के ऊपर मैं ISO लिटरल कभी नहीं लेके जाता। सो ये थी फ़ोटो 2.8 के अपर्चर के ऊपर, 50mm का लेंस था, 1.8 वाला अपर्चर था, 2.8, शटर स्पीड थी 1/400। वो भी इसलिए कि ये जो पार्ट दिख रहा है ये नियॉन स्ट्रिप सीरीज की LED स्ट्रिप के जैसा, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, फिर ये ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो उसके लिए मैंने 1/400 लिया, और उसके बाद मैंने इस पर एडिटिंग कर दी, ख़त्म। बाय द वे फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, ये वाली एडिटिंग पसंद आई है, फ़ोटो नहीं। अगर मैं सच बताऊँ तो ये वाला जो प्रीसेट था वो रेफरेंस नहीं था मेरा, ऑब्वियसली वाइब्रेंस ज़्यादा है, सैचुरेशन कम है, और ऑब्वियसली ये तो कम ही रहेंगे मेरे। सो ये था बिफ़ोर और ये था आफ्टर, और मैं अभी बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो में ग्रेन इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। ग्रेन ये देखिए, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने लाइट रूम में। ये बाय द वे पोस्ट प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, एक सेकंड में ये बाकी के टैब्स बंद कर लेता हूँ, यानी कि आपको अच्छी तरीके से दिखे। डिटेल की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्म की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कैलिब्रेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले आपको इफ़ेक्ट में जाना है, इफ़ेक्ट में देखिए पोस्ट क्रॉप विनियटिंग और ग्रेन्स। आपको ग्रेन को जितना लेके जाना है उतना लेके जाना है। अगर आप 100 तक लेके जा रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ग्रेनी। 0 यानी कि नो ग्रेन, और 100 यानी कि मोस्ट अमाउंट ऑफ ग्रेन। आप इसमें साइज़ भी कंट्रोल कर सकते हो। सो मैं साइज़ को 25 पे रख देता हूँ, और रफनेस भी आप अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो ये भी मैं बाय डिफ़ॉल्ट पे रख दूँ। वेट अ सेकंड, मुझे छींक आने वाली थी लेकिन नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली बताने। सो मैं इस वाली फ़ोटो के लिए पिक कर रहा हूँ 40, यानी कि देखिए ये था स्मूथ, ये था विद ग्रेन्स। 40-50 भी कर सकते हैं अपन इसके लिए। 50 ये रहा एक नंबर, विंटेज टाइप की फ़ोटो लग रही है, और इसके बाद आपको इसके ऊपर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर टू बी वन सबको लगाना है तभी लगाना पड़ेगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सॉरी माया, आई जस्ट बैंगड माय माइक। उसके बाद आपको इसको निगेटिव विनियटिंग, ये मुझे पर्सनली पसंद है, आप हो सकता है आपको पसंद ना आए, हो सकता है आपको पसंद आए, तो मैं निगेटिव विनियटिंग में जाना पसंद करूँगा। ऑल द वे टू द 100 ना, कुछ 50 तक ठीक है, इसके ऊपर नहीं। फेदर को नॉर्मल पे रखते हैं। सो ये देखिए, ये था विदाउट ग्रेन्स प्लेन, ये था विथ ग्रेन्स, ये था विदाउट ग्रेन,
विथ ग्रेन। ग्रेन आपकी फ़ोटो में डेप्थ ऐड करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रेन, और मुझे किस वजह से पसंद है ग्रेन, पीटर मैकिनन, देयर इज नो चांस। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा इस वाली फ़ोटो को, बाय द वे इसको मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी, ये देखिए वाइब्रेशन थोड़ा सा निगेटिव, ये देखिए जस्ट अ परफेक्ट शॉट फॉर हेलोवीन। परफेक्ट शॉट फॉर हेलोवीन, बाय द वे फोटो रॉ में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आप लोग को अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैव अ ग्रेट डे। जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून, बाय।